अच्छा हुआ तू जल्दी आ गया। ये संभाल कर, इसको छूना मत, इसमें पिशाच नहीं रहा। इसके बाकी के दांत कहाँ चले गए? कहीं नहीं। दी, ये ऐसे नहीं हुआ। सब सही हो जाएगा, बी पॉजिटिव। ओके ओके, लेकिन रोमी इसका करें क्या? जला दे? नहीं दी, इसको हम जला नहीं सकते। रोमी, हम इसे रख के क्या करेंगे? ये पिशाच नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका हम क्या करें। रोमी, एक चिरंजीव अंकल ही थे जो हमारी मदद कर सकते थे। वो आखिरी इंसान थे जो हमें बता सकते थे कि इस पिशाचनी का अंत कैसे करना है, उसे नष्ट कैसे करना है ना? दी, चिरंजीव अंकल को पिशाचनी ने मार दिया है या फिर कहीं वो छुपे हुए? लेकिन एक और इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? अनजान। क्या? मैं उसको इसी नाम से जानता हूँ दी, उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी पिशाचनी का अंत हो जाए, उसका बच्चा कुचा कुछ मिल जाए तो मेरे पास ले आना, मैं उसका नष्ट कर दूंगा। लेकिन तुझे उनकी बात पे विश्वास कैसे? पहली बार कब मिला था उनसे और उनके साथ टच में कैसे रहता है? और उन्हें कैसे पता पिशाचनी के बारे में, उस अंत के बारे में, उनका आगे पीछे का सब कुछ? ये सारी बातें उन्हें क्यों पता है? तेरे इन सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है। उनका फोन आया था दी, उनकी आवाज़ साफ नहीं थी। और हाँ, और ज्यादा विश्वास की बात है, चिरंजीव अंकल ने मुझे बताया था कि इस मुद्दे के लिए अगर तेरे पास फोन आए तो उन पर विश्वास कर लेना। थैंक गॉड, अब सब सो गए दी और लवण्या भी अभी काम डाउन है। लेकिन लेकिन देवी का है, तो तुमने देवी को देखा है क्या? रोमी तो चला गया उस अनजान से मिलने, जाने कौन अनजान है वो, पर देवी तो अपने रूम में ही होगी। रोमी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो उनसे मिलने जा रहा था ना, उस पिशाचनी की बची हुई राख को नष्ट करने, गया नहीं अब तक? क्या तू चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या घूर क्यों रहा है मुझे? रोमी ध्यान का है तेरा? रोमी देखा तूने? रोमी वो क्या हुआ? वो क्या था? तो चुप क्यों है? वो क्या कहे तुझे? My God, तुम रात में भी कॉरिडोर्स में आत्मा की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। आप नहीं चाची, एक्चुअली वो रोमी को छोड़ो, मेरी बात सुनो। महिमा भाभी ने डिसाइड किया है कल मॉर्निंग में हम पिकनिक जा रहे हैं। अब प्री तो चली गई, सारी टेंशन चली गई, सो लेट्स पार्टी। सो अरेंजमेंट्स करने हैं और सारे अरेंजमेंट्स तुमको ही करने हैं, समझी? नहीं चाची, वो एक्चुअली लिसन, नो एक्सक्यूजेस मिस पीए और मिसेस पीए, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो बड़ी बहू होने के नाते सारे अरेंजमेंट्स तुमको ही करने, ऑलराइट? ये अचानक ऐसे क्यों भाग गया? सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, राइट? हाँ हाँ चाची, हो जाएंगे। गुड, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। रोमी को हो क्या गया है? इतना पता पता सा क्यों लग रहा है? और पीछे मैंने देखा वो बिच्छू, वो क्या था? उस रात दिवी ने भी उसे टेरेस पे देखा था, आज लावण्या ने देखा और अभी मुझे दिख रहा है, ये सब हो क्या रहा है? थैंक गॉड, ऐसे सही टाइम पे एंट्री मार ली, मुझे भागने का मौका मिल गया वहां से। ऐसे वो दृष्टि क्या कह रही थी कि बच्ची को चिराग उसे नष्ट करना, इसका मतलब सुबह थोड़ी सी राख बची भी है। नो 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 नो, ये बात तो मुझे साक्षी को, मेरे मतलब दिव्या को बताना पड़ेगा। कितनी कन्फ्यूजन है। जंगल कितना भयानक लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। यही वो जगह है जहां उन अनजान ने बुलाया था मुझे, पर यहां तो कोई नहीं दिख रहा है। आ गए तुम? आप इतनी अजीब सी नदी, ये कैसा पानी है? इस जंगल में ये सब ये राख ले आया उसकी? हाँ, मैं ले आया। दिखाओ मुझे।
अब पलट जाओ। बॉटल वाला हाथ साइड में फैलाओ। अब पीछे की तरफ आओ। पीछे की तरफ कैसे आ सकता हूं मैं उल्टा चलूंगा, मर जाऊंगा, पानी में गिर जाऊंगा। वहां पे नदी है। और मेरी तरफ देखते हुए आए तो पानी में डूब के मरो ना मरो, मुझे देख के जरूर मर जाओगे। अब चॉइस तुम्हारी, मरना है या जीने का रिस्क लेना है। सही फैसला किया, अब पीछे की तरफ आओ। कम ऑन। ये उस पिशाचिनी की राख नहीं है। पिशाचिनी की राख है ये? चाट मसाला, मैं सच में पिशाचिनी की राख लेकर आया। मुझे बेवकूफ बना रहे थे। कसम से इसमें पिशाचिनी की राख ही थी। तो कहाँ है वो राख? मैं पिशाचिनी की राख ले गया था, मुझे छोड़ दो।